हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ सुपर मून की रीडिंग। यस, 12th ऑफ अगस्त को है सुपर मून और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये सुपर मून आपके ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है, क्या खुशियाँ लेकर आ रही है, क्या न्यूज़ लेकर आ रही है और आप क्या रिसीव करने वाले हो। तो आज की ये जो रीडिंग है इसमें मैंने दो पाइल्स रखी है, आप देख सकते हो आपके सामने दो पाइल्स हैं। तो पहले पाइल में जो लेटर्स हैं ये आपके नाम के लेटर्स हैं, आपके नाम के इनिशियल्स हैं, तो आप इनमें से अपने पाइल को चूज कर सकते हो। पहले में है ABT KFHP OS VM X और Y। तो अगर आपका नाम इन किसी लेटर से शुरू होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर अगर आपका नाम इनमें से शुरू होता है CEG IJQR LN UW T और Z तो ये आपके लिए है। और अगर आप अपने नाम के साथ नहीं जाना चाहते, अगर आप ये जो आपके सामने दो ऑप्शन है, पहले में है लाफिंग बुद्धा और दूसरे में है गणेश जी, तो अगर आप इसके अपने इंट्यूशन के थ्रू जाना चाहते हो तो आप उस हिसाब से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि ये जो सुपर मून है, जो फाइनल सुपर मून है, स्टर्जन सुपर मून, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये लाफिंग बुद्धा या फिर जो लेटर्स हैं आपके नाम के अक्षर के ABT KFHP OS VM X और Y, चलिए देखते हैं कि सुपर मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी रीडिंग के लिए सारे कार्ड्स को शफल करके रखे थे, तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि आपके लिए ये सुपर मून जो है क्या लेकर आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद मेजर आर्काना कार्ड्स और फिर हम धीरे धीरे देखते रहेंगे कि और क्या लेकर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वर्ल्ड का। तो मुझे ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज दे रहा है फ्रेंड्स कि अगर कोई टफ साइकिल था, अगर काफ़ी लंबे समय से आप किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे थे, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, या फिर हो सकता है कोई रिलेशनशिप में ऐसा रहा हो जिसको लेकर आपकी सफरिंग जो है काफ़ी लंबी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी एंडिंग होने वाली है, ये साइकिल आप कंप्लीट करने वाले हो और कहीं ना कहीं इसका एंड जो है काफ़ी नज़दीक है और आप इस एंड तक पहुँचने वाले हो। मुझे ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में गुड लक भी आ रहा है। अगर अब तक ऐसा था कि आप बस किसी के हेल्प से आपकी ज़िंदगी चल रही थी, अगर आपने लोगों आपको हेल्प भी करते थे और बातें भी सुनाते थे और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत तकलीफ में थे, तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो और ये भी मुझे एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग जो है मुझे इस फाइनल सुपर मून से आपके लिए नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं इसके अलावा क्या कार्ड आया है आपके लिए। ओ वाओ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको पता ही है, यानी कि जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला कि वर्ल्ड का कार्ड आना मतलब किसी टफ साइकिल का एंड होना और ये डिवाइन टाइमिंग भी आपके लिए आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस दिन ये स्ट्रैटेजिक मून हो उसी दिन हो सकता है आपकी डिवाइन टाइमिंग आ जाए और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वक्त लगे, क्योंकि कुछ लोग का साइकिल कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, सभी का एक साथ तो कंप्लीट नहीं हो सकता, बट हाँ ये जो एनर्जी रहेगी ये ओवरऑल जब तक रहेगी इसमें आपका ये टफ साइकिल जो है मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं गुड लक जो है आपकी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली आ ही रही है। कुछ लोग के लिए ये नेक्स्ट 10 दिन में हो सकता है, कुछ लोग के लिए 10 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, बट कंप्लीशन तो है फ्रेंड्स, ये श्योर शॉट है जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूँगी इससे पहले मैं कि एनर्जी ओरेकल डेक से देखूँ। मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो आपकी ज़िंदगी में तो है, कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिक भी लगता है, बट आप अगर उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी मुझे पता नहीं यहाँ से मैसेज अभी चैनल हुआ कि यस इस चीज़ से भी आप बाहर निकलने वाले हो, आप अपने सोल पार्टनर, डिवाइन पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी। वाओ, वी हैव द सन कार्ड। यस, तो जब सन आ गया है भाई तो फिर क्या दिक्कत है। तो सन का कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस उजाला ही उजाला है,
ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी आपको कहना चाहती है कि आप जितने भी अंधेरे में रहे हो, जितने भी प्रॉब्लम में रहे हो, जितना भी स्ट्रगल किया है आपने ना, इससे आप बाहर निकलने वाले हो। इससे जो है ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बाहर करने वाली है और आप उजाले की तरफ आगे बढ़े हो। चाहे आपका हेल्थ रिलेटेड इशू रहा हो, फिनेंसिस लेकर इशू रहा हो, रिलेशनशिप लेकर इशू रहा हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप पढ़ाई को लेकर सोच रहे हो कि आपको बाहर जॉब करनी है, आप अपना मेहनत भरपूर कर रहे हो बट आपको उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, ये जो ब्लेसिंग है इस सुपर मून की, ये डेफिनेटली आपके लिए ये हर दरवाजे को खोल रहा है। वी हैव थिंकिंग मैन, येस मुझे लग रहा है कि आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी हो सकते हो, आपका साइन हो सकता है, या फिर रेडीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है आपका साइन। बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, तो मुझे लग रहा है कि येस आप जितना सोच रहे थे चीज़ों को लेकर, हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, छोटी छोटी बात को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप के लिए जो सही है, ये जो ओवर थिंकिंग है, इससे भी आप बाहर निकलने वाले हो। क्योंकि आप सोचते इसीलिए हो क्योंकि आपको डर बहुत लगता है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो कि आपका हार्ट ब्रेक ज़्यादा हुआ हो, या फिर आपको धोखे ज़्यादा मिले हो, आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने में काफ़ी इश्यूज रहे हों, तो इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि इस चीज़ से भी आप मुझे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, इस ओवर थिंकिंग से। ठीक है, वी हैव द विक्ट्री कार्ड, येस, तो कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री होने वाली है, चाहे आपका वर्क और करियर हो, या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो, या फिर जो कुछ भी हो जिसको लेकर भी आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, या मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो येस मुझे नज़र आ रहा है जब ओवरऑल कार्ड में आपके लिए विक्ट्री आया है, तो येस विक्ट्री तो आना तय है आपके लिए। और यूनिवर्स से भी मैं कह भी रही हूँ कि आपके लिए कार्ड ही आया है कि येस आपका टफ साइकिल एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत होने वाली है, और नई शुरुआत में आपकी विक्ट्री हो सकती है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क और करियर हो, जिस चीज़ को भी लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हो। पाइल नंबर वन, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि इसमें इस्टेब्लिश हो जाओ, तो यस मुझे लग रहा है कि हाँ आप इस्टेब्लिश हो जाओगे, और ये ओवर थिंकिंग भी जो है आपकी इस मून के आने से ये हटने वाली है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आपके बारे में कहते हैं। ऑलराइट, अब हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। टेम्पटेशन नंबर 15, तो यस अगर कोई ऐसा पर्सन है, अगर कोई ऐसा आपके रिलेशनशिप में, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप किसी को पसंद करते हो, किसी के लिए आपके अंदर भावनाएं हैं, या फिर कोई तो ऐसा है जिसको लेकर आपके दिमाग में ख्याल चलते हो, तो यस आपका इनके प्रति अट्रैक्शन जो है वो बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप दोनों मिलने वाले हो एक दूसरे के साथ, और जो ये अटैचमेंट है ये काफ़ी क्लोज होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो यस कोई तो डेफिनेटली आने वाला है जिनके प्रति आपका अट्रैक्शन जो है बढ़ेगा, और आप यू नो अपने रोमांटिक लाइफ में भी थोड़े से आगे बढ़ोगे। ऑलराइट, तो आपके लिए एक ब्लिसफुल कनेक्शन आ रहा है। लेट्स सी मेमोरीज ऑफ लव, यस आपके लिए एंजल्स के ब्लेसिंग्स तो है ही, तो आपके एंसेस्टर्स भी कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, और वो चाहते भी हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, आप अपनी ज़िंदगी में हर उन चीज़ों को पाएं जो आप डिज़र्व करते हो। तो आपके जो एंजल स्पिरिट्स हैं, यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उनका भी जो है ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो अपने पूर्वज को याद करते हैं, उनके लिए दिए लगाते हैं, तो यस कहीं ना कहीं उसका आउटकम भी आपको देखने को मिलेगा। वाओ, वी हैव हार्मनी, मैंने अभी बोला था कि जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट है डेफिनेटली उनका रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, तो यस यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आ रही है कि यस अगर आपका डिवाइन ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता महसूस करते हो, तो यस इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। अगर कन्फ्यूजन था, अगर कोई थर्ड पार्टी इशू थी, अगर कुछ भी था, अगर जिस वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो, आप दोनों फिर डेस्टाइंड हो मिलना फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं फील होता है, भले ये पर्सन किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मैं इस पर्सन के लिए यही फील करता हूँ कि ये पर्सन मेरे लिए बना है, इसकी जर्नी जो है मेरे साथ ही कंप्लीट होनी है, अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रांग फीलिंग है, तो अगर ये सच में आपके लिए बने हैं और ये अगर सच में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी का घर तोड़ने वाले हो, नहीं, आपके लिए अगर ये पर्सन डेस्टाइंड है
तो ये आपके पास आएंगे, और अगर नहीं है तो फिर ये जर्नी आगे कंटिन्यू होगी। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यस, टफ साइकिल एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है, तो ये तो होना ज़रूरी ही है। यस, फर्म फाउंडेशन, तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है कि आप अपना जो बेस है, आप जो भी काम करते हो या फिर जो भी आप यू नो अर्न करते हो, या फिर अगर आपने वर्क और करियर में खुद से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की है, तो यूनिवर्स कह रही है कि यस, आपके उस बेस को मजबूत करने में, आपके उस रूट चक्रा को मजबूत करने में यूनिवर्स आपकी मदद करने वाली है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाली है, और यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट भी कर रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत तो होनी तय है, जो मुझे इस ओवरऑल मैसेज से, इस सुपर फाइनल मून के ब्लेसिंग से मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रीयूनियन है, यहाँ पे कुछ लोग फर्स्ट टाइम अपने यू नो डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके एंसेस्टर्स का आपको आशीर्वाद, एक अच्छा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी जर्नी जो सोल जर्नी वो कम्प्लीट हो रही है, सन भी आया है, विक्ट्री भी आई है, तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। अब हम फाइनली देखेंगे कि क्योंकि ये सुपर मून की रीडिंग है तो सुपर मून आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, पहला कार्ड आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, तो अगर पास्ट रिलेटेड कोई ऐसा इशू है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल देता है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देता है, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं ये पर्सन अगर आ जाए तो अच्छा है या नहीं है, तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है फ्रेंड्स वो तो चले गए हैं। इस साइकिल के एंड होने के बाद जो भी टॉक्सिक लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी से डेफिनेटली स्टेप आउट करेंगे, तो यूनिवर्स कह रही उनको लेकर ना सोचे, जो चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए, आप उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि उनकी साइकिल जो है दूसरी स्टार्ट होनी है। यस, प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड, तो यहाँ पे प्रॉस्पैरिटी अबंडेंस का भी कार्ड आया है, तो यस, ब्लेसिंग्स तो है ही आपके लिए जो आ रही है, और उसके अलावा है अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, आपके लिए हीलिंग एनर्जी भी आ रही है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ और मैसेजेस देखेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, ओह माय गॉड, वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, वेट अ सेकंड। या फ्रेंड्स, तो मैं आ गई और बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे नीचे, तो ये कार्ड्स ऐसे ही हैं जो उछलते रहते हैं, इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल है। ये मिक्स्ड कार्ड्स होते हैं जिनमें तरह तरह की ब्लेसिंग जो है रहती है आपकी ज़िंदगी को लेकर। लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा था, आप देख रहे हो ना कि कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं, ये कार्ड्स ऐसे ही आते रहते हैं, और यस, कुछ ना कुछ मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, मैं खुद ही से निकाल लेती हूँ तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा उछलते हैं, आप देख रहे हो। सो यस, लेट्स सी, ओके, लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच, ओके, बहुत सारे कार्ड्स तो आते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, वन लास्ट कार्ड प्लीज, इतने सारे मैं नहीं लूँगी। ओके, चलिए, मैंने एक कार्ड बोला, यूनिवर्स ने दो तीन भेज दिए, सो पहले मैं इसको अरेंज कर लूँ फ्रेंड्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स, सी राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या क्या कार्ड्स आए आपके लिए। ओके, पहला आया है टीपॉट, यहाँ पे लिखा है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, का हो सकता है आपकी, आप अगर फीमेल हैं तो आपकी एक अच्छी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपके काफ़ी अच्छे जो है मेल फ्रेंड बन सकते हैं इस आने वाले समय में। वी हैव योग, फीलिंग टाइप डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। यस, हो सकता है कि थोड़ा सा, क्योंकि टाइम फॉर हीलिंग भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके काम में काफ़ी व्यस्तता बढ़ जाए, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, आपके पास इतना ज़्यादा काम आए कि आपके पास वक्त ही ना हो बाकी चीज़ों को करने के लिए। तो यस, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि आप एक ही चीज़ पर काफ़ी लंबे समय तक अटक गए हों। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, तो जो जो इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, आप क्या वर्क रिलेटेड हो सकता है या फिर जिससे भी रिलेटेड हो सकता है, सो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी भी। ओके, यहाँ पर नज़र आया है टाइगर का कार्ड, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, तो आप कोई रिस्की काम करने वाले हो, उसके लिए जो है आप चांस भी लेने वाले हो, स्पिरिचुअल लव आ रहा है आपके लिए।
पेरेंट्स, समवन विल गॉसिप अबाउट यू, योर सीक्रेट्स, तो कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में है, जो आपके सीक्रेट्स को जानता है, उस बारे में बात करेगा किसी से. बीवेयर ऑफ ग्रीड, तो लालच से बचने की कोशिश करें. रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर. तो वाओ, तो कोई अगर बहुत लंबे समय से कोई दिक्कत चल रही थी, कोई इशू चल रहा था, तो उसकी एंडिंग होती हुई मुझे नजर आ रही है. रा, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, तो कोई अगर बहुत जिद्दी पर्सन है, उनसे थोड़ा दूर रहने को आपको बोला जा रहा है. काइट, वकेशन, तो यस, कोई छुट्टी पर जा सकता है. वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, फैमिली की विश जो है वो पूरी हो सकती है. जुलाई, तो काफ़ी कलरफुल कार्ड है, तो हो सकता है कि आने वाला जुलाई या फिर ये जुलाई में कुछ ऐसा हुआ हो जो इम्पोर्टेंट है, वो फिर आपको याद आ सकता है. अप्रैल, तो हो सकता है आने वाला अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो. हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस तो आ ही रही है हमारे फ्रेंड्स के लिए. एंड फाइनल कार्ड इज अप, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, टेम्पटेशन का कार्ड भी आया था. तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टेक केयर. हाय पाइल टू, वेलकम बैक. तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये गणेश जी का आइडल, या फिर अगर आपने इन अल्फाबेट्स को चूज़ किया है जिनमें आता है ZEG, IGQR, LN, U, W, T और Z, लेट्स सी कि क्या लाने वाला है ये सुपर मून, स्टर्जन सुपर मून आपके लिए. ऑल राइट, तो सबसे पहले हम कार्ड्स देखेंगे मेजर आर्काना से और फिर हम करेंगे रीडिंग की शुरुआत. ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया है द डेविल का. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई एडिक्शन है जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको हावी कर रही है, आपको इससे बाहर निकलने को बोला जा रहा है. ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई टॉक्सिक आदत हो सकती है आपकी, किसी चीज़ का नशा होना. जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का नशा है, आप काम को भी इग्नोर करते तो आपको लगता है नहीं, मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है. हो ही सकता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर एक वीक में एक वेकेशन पे जाना होता है, लड़ झगड़ कर भी वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और बाहर जाते हैं. तो कुछ भी अगर ऐसा है जो कि टॉक्सिक है आपके लिए और आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रही है, तो यूनिवर्स कह रही है कि इस नशे से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ये कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुँचा सकती है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस नशे से बाहर निकलोगे, इस टॉक्सिक आदत से बाहर निकलोगे, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली गुड लक आएगा, आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, आपके लाइफ में सन आ सकता है, यानी कि ब्राइटनेस आ सकती है. कुछ तो ऐसा है, कुछ लोग के लिए कोई पर्सन हो सकता है जो हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको किसी भी कारण की वजह से आपकी ज़िंदगी में अटके हुए हैं और ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. तो यस, मुझे लग रहा है कि अगर आप इससे बाहर निकलोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. यस, अभी मैं सन की बात कर रही थी और सन का कार्ड भी आया है आपके लिए. तो ये कार्ड बता रहा है कि यस, इस अंधेरे से निकलने का एक ही उपाय है, अगर आपको ब्राइटनेस चाहिए तो आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, फिर आपका ग्रोथ जो है तय है. तो यस, कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा लॉस्ट फील करते हो, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके और आपकी फैमिली या फिर आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे ये आपका कोई एडिक्शन हो या फिर कुछ तो है यहाँ पे जो आपके लाइफ में आपको ट्रबल कर रही है, आपकी ग्रोथ में जो है एक रुकावट सी बन रही है. और ये कोई आदत ही मुझे लग रही है, लोगों से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कोई आदत है आपकी जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है. तो अगर आप इससे बाहर निकले तो सन आपके लिए डेफिनेटली है. लेट्स सी, कॉर्नकॉपिया, यस, चारों तरफ से ब्लेसिंग है. सिर्फ ब्लेसिंग आपके लिए नहीं, ये ब्लेसिंग आपकी फैमिली के लिए है, आपसे जुड़े लोगों के लिए भी है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल एंजल नंबर 1-1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो यस, ये जो सुपर मून है ये आपके लिए ओवरऑल ब्लेसिंग ला रही है, यानी कि सिर्फ पैसे रुपए को मैं ब्लेसिंग नहीं कहती. मान लीजिए आपका घर भरा हुआ रहना, आपकी फैमिली का आपको टाइम देना, एक इम्पोर्टेंस देना अपनी ज़िंदगी में, तो हर तरफ से आपकी लाइफ में जो है ब्लेसिंग आ रही है, यानी कि आप खुद भी ब्लेस्ड होंगे, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी ये ब्लेसिंग मिल रही है. यस, वोमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो अगर यहाँ पे एंजल नंबर 1-1 और 4-4 है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हो सकता है कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपके लिए नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है. सो 4-4 इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, अगर आपका दिल खाली है और अगर आप किसी का वेट करें, तो यस, कुछ लोग का रीयूनियन हो सकता है अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर का वेट कर रहे हैं तो. और अगर आप बिल्कुल भी सिंगल है और अगर आप किसी का किसी नए पर्सन की एंट्री की वेट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है यस, ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपके फैमिली के तरफ से आपके पास आ सकता है और काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, काफ़ी अबंडेंट रहेगा ये रिश्ता आपके लिए.
टर्न टू रोमांस. तो यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए पाइल नंबर टू कि यस, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्हें पता है, हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, कोई पर्सन है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट हाँ आप अपनी फैमिली से नहीं बताना चाहते हो, या फिर अभी अपनी फैमिली से इस बात को लेकर डिस्कशन नहीं करना चाहते हो कि क्या है क्या नहीं है आपके मन में. तो यस, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई तो है आपके मन में जिनको कहीं ना कहीं आप मिलना चाहते हो, जिनसे आप बात करना चाहते हो. तो यस, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी बात की शुरुआत भी जो है मुझे होती हुई नज़र आ रही है. तो अच्छी बात है ना, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि सन का कार्ड भी आया है ओवरऑल मेजर अरकाना से. तो यस, तो बात तो आपकी बन सकती है. लेट्स सी और यूनिवर्स क्या कहना चाहती है. ट्रुथ, तो यस, अगर किसी ट्रुथ, किसी सच्चाई का अगर आपको बहुत लंबे समय से इंतजार है. एंड फ्रेंड्स, कैन यू सी दैट वी हैव एंजल नंबर 1144 and 33. तो ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. पाइल नंबर 2 143, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. सो यस, अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं 1144 33, तो यस, यूनिवर्स आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स ला रही है. एनीवेज, तो ट्रुथ का कार्ड आया, तो हो सकता है अगर बहुत चीज़ों में आपको इंतज़ार हो कि मुझे सच्चाई जानना है, मुझे सच जानना है कि इस बात का सच क्या है, इस मैटर का सच क्या है, या फिर लोग मुझसे सच कह रहे हैं या नहीं, तो सच तो आपके लाइफ में आ ही रहा है. इंट्यूशन, यस, आपकी इंट्यूशन यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा काम कर रही है. फिर से देखिए, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 2 2 भी आया है, एंजल नंबर 20 और 2, तो अगर हम 0 हटाएं तो 2 and 2 आया है. तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है, और कहीं ना कहीं आप इसके मदद से आगे भी बढ़ोगे. यहाँ पे फिर से एंजल नंबर 3 आया है, यहाँ पे भी 3 है. तो यस, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, आपके काम में, आपके करियर में आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस सुपर मून ब्लेसिंग से. और यस, लोग आपको सराहेंगे आपके वर्क, आपके काम करने के, यू नो, आप जिस तरीके से काम करते हो उसकी भी मुझे सराहना मिलते हुए नज़र आ रही है. इसके अलावा नंबर 8 आया है, ट्रैप्ड इन फियर. अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसे कोई क्वेश्चन है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जिसे आपको, यू नो, जो फेस करने में आपको डर लगता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बस मेरी ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि मैं इससे मिलना नहीं चाहता, मैं इस चीज़ से बात नहीं करना चाहता, या फिर अगर कुछ भी ऐसा है तो इससे भी आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो. आप इस चीज़ को फेस करोगे और फिर इसे आप लेट गो कर पाओगे. तो कोई नंबर 8 है जो इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 3 तो मैंने बता ही दिया था, 1 4, ये सारे नंबर्स जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है. तो ओवरऑल आपके लिए ब्लेसिंग्स काफ़ी अच्छी आ रही है. अपनी इंट्यूशन की सुने, जो भी आपको सच जानना है अपनी ज़िंदगी को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, तो इससे भी आप बाहर निकलोगे. अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जैसे कि मैंने बोला था, ट्रैप्ड इन फियर, अगर उनके डर से कहीं ना कहीं आप अटक से गए हो, इससे भी आप बाहर निकलोगे. चलिए अब हम देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या आया है आपके लिए. यू आर गुड एनफ, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ दिक्कत आ रही है, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, यूनिवर्स के करीब जाने की कोशिश करेंगे, आपको आंसर्स मिलेगा. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो यस, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसमें कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको ट्रबल हो रहा है. तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि थोड़ा तो एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत है. चलिए हम देखते हैं कि ये हमारे सुपर कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग आ रही है पाइल नंबर 2 के. मैं इतने कार्ड सही करूँगी फ्रेंड्स, ये देख रहे हो, ये पाइल 1 में भी हुआ था, पूरा का पूरा कार्ड गिर गया था नीचे. ओके, ये कार्ड्स को शक्ल करते में हो जाती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. लेट्स सी फ्रेंड्स, और क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए. ओके, थोड़े और कार्ड्स और फिर हम करेंगे कार्ड्स की रीडिंग. ओके, तो काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं. लेट्स सी क्या आया है हमारे पाइल 2 के लोगों के लिए. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. ओके, पहला कार्ड आया है विशपूर्ण, अ विश इज ग्रांटेड. तो आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है. वी हैव डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड. किसी भी कारण से अपने आप को नीचा गिराने की कोशिश ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए.
someone working against you behind your back, कोई है जो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, ध्यान दे उसके ऊपर. डिप्रेशन, एंगजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, इसी बात को लेकर देखिए दोनों कार्ड सेम आए हैं. यहाँ पे आया है कि कोई है जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे आया है कि उस वजह से आपको डिप्रेशन एंगजाइटी हो सकता है कि कोई तो है जो आपके बारे में बात कर रहा है. यहाँ पे आया है सोरो ओवर अ लॉस, तो यस हो सकता है किसी का कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे, कोई पर्सन है जो हो सकता है जिनका कोई सैड न्यूज़ आपको सुनाई दे, ऐसा भी हो सकता है. न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस एन अपॉर्चुनिटी, वाओ यहाँ पे किसी के लॉस का मैसेज है, यहाँ पे किसी के आने का मैसेज है. ये कोई काम भी हो सकता है जिसकी शुरुआत आप कर सकते हो. वैकेशन, फैमिली विशेज विल कम ट्रू, यस. जुलाई, आपके लिए भी जुलाई आया है, पाइल वन के लिए भी आया था जुलाई, तो आपके लिए भी जुलाई मंथ हो सकता है. जो जुलाई गया है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें कुछ ऐसा हुआ हो जो सिग्निफिकेंट है जिसके बारे में आपको पता चलेगा, या फिर आने वाला जुलाई सिग्निफिकेंट है. इनडिसीसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, तो यस कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि जो भी आप जिंदगी में कर रहे हो, जिस भी पर्सन को एंट्री दे रहे हो जिंदगी में आने का या जाने का, सोच समझ कर ये एंट्री दे, ठीक है, ताकि क्योंकि ये आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट डाल सकता है. लव, पाइल नंबर टू लव आ रहा है. एंड वी हैव वीपिंग बिलो, फैमिली सॉरो, तो कुछ ऐसे फैमिली में आपके न्यूज आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको दुखी कर सकते हैं. और राइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टेक केयर.